रेत की किस्मत में क्या है वह उसे भी नहीं पता। तपते रेगिस्तान में जलती और उड़ती रहेगी या समंदर के किनारों पर उसके खारेपन को पीती रहेगी। फितरत भी कहाँ है इनकी रुकने वाली। मुट्ठी में बंद होना पसंद नहीं, नहीं बंद मुट्ठी से भी निकलने का रास्ता बना ही लेती है। कुछ प्रेमी लिख गए थे नाम उसके सीने पर, लेकिन उसे तो बेनाम रहना ही पसंद है। किसी न किसी तरह खत्म कर ही देती है खुद पर गुदे लिखे अक्षर। शायद उसे सादगी पसंद है और आज़ादी भी। रेगिस्तान में मरीचिका पैदा करने वाली रेत खुद को जादूगर भी समझती है। राहगीरों को भ्रम में डालकर कभी ठिलाती तो कभी अपने रुख को बवंडर के साथ मोड़कर उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराती। समुन्दर किनारे बच्चों के महल बनकर उनकी मासूमियत को नया आकार देती है ना। कितनी खूबसूरत, बेदाग, आज़ाद, सादगी पसंद, नवाबी ठाट लिए, जादूगरी से भरी ये रेत।